नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। कल 1 फरवरी के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश के सामने देश का बजट पेश किया। जैसे घरों के बजट होते हैं, वैसे निर्मला सीतारमन ने पूरे देश का एक बजट बताया। बजट में इस बार प्रद्युम्न सबको खुश करने की कोशिश की गई। पिटारे में सबके लिए कुछ कुछ ना कुछ था। इसके साथ ही किसान, जैसे कि जो सड़कों पर मौजूद हैं, लगातार दिल्ली की सीमाओं पर धरना देकर बैठे हुए हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखा गया है। बजट पेश होने के तुरंत बाद आपको बता दें कि विपक्ष की इतनी कठोरतम प्रतिक्रिया तो नहीं आई, हालांकि, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके साथ ही इस तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जानकारी दी कि बजट में हर चीज का ध्यान रखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा गया है और साथ ही साथ इसके मेडिकल फैसिलिटीज को भी मजबूती देने का काम किया गया है। उसके बाद जेपी नड्डा आते हैं, जेपी नड्डा भी यही कहते हैं कि बजट जो है वो मजबूती देगा, हर घर तक पहुंचने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव आते हैं, वो बताते हैं कि जिन्होंने बजट बनाया है उनको शुभकामनाएं, बहुत शानदार बजट है और देश को इस बजट से जरूर फायदा होगा। पूरा जो बजट चलता है, बजट में इस बार मेडिकल फैसिलिटीज पे बहुत ध्यान दिया गया, मेडिकल के कामों को लेकर ये जो जितनी भी चीजें थी, क्योंकि हुआ ये था, चूंकि कोरोना के टाइम पर जो मेडिकल में जो लूप्स थे, जहां पे जो कमियां थी, कमजोरियां थी, वो निकल कर सामने आ गई थी, वो सबको दिख रही थी, तो ऐसे में एक जरूरत थी। जरूरत तो पहले भी थी, लेकिन कोरोना के समय ये चीज खुलकर सामने आ गई थी, एक्सपोज हो गई थी कि देश की जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो दरअसल चरमराई हुई है। तो इसके चलते इस बार मेडिकल फैसिलिटीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, ऐसे में जब भी कोई बजट बनता है तो आपने भी बताया कि घर का भी बजट होता है, तो पहले बजट बनाने से पहले पूरी प्लानिंग की जाती है कि आपको किस किस चीज की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत नहीं है, किस चीज पे ज्यादा फोकस देना चाहिए, किस चीज पे कम फोकस देना चाहिए जरूरत के हिसाब से। तो ऐसे में ये देश का बजट है, इसमें कुछ ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा फोकस करने की बात होती है, तो बड़े ही प्लानिंग के साथ वो बजट बनाया गया है कि सभी वर्गों को ध्यान में रख के वो बजट बनाया गया, चाहे किसानों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें। यहाँ पे पूरी बजट की एक लिस्ट थी जो निर्मला सीतारमण ने बताया और ऐसे में सभी लोगों ने उसका सहयोग भी किया। विपक्ष ने, खास तौर पर विपक्ष ने इतनी उंगली इस बार नहीं उठाई है, अब ना जाने क्यों, इसका कारण तो विपक्ष ही जानता है, लेकिन इस बार इतनी उंगली नहीं उठाई गई है। लेकिन हेल्थ केयर पर जिस तरीके से आपने बताया कि ज्यादा ध्यान दिया गया है, बिल्कुल, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति यहां पर आई थी, ऐसे में कोरोना ने जो तबाही मचाई है, वो तबाही से हमें जो मेडिकल फैसिलिटीज हमें जो मिलती हैं या सरकारी अस्पताल में जाके जो दिखता है या फिर जो कमियां दिखती हैं, वो अब सबके सामने उजागर हो गई। जब कमियां उजागर हो जाती हैं तो ज्यादा उस पर काम किया जाता है और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा जाता है, जिससे वो कमियों को हटाकर आप एक डेवलप उसमें हो सके। तो ऐसे में इसमें बहुत ध्यान दिया गया, क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत भी बहुत काम किए गए हैं और साथ ही साथ कई ऐसे अस्पताल हैं जो अभी पेंडिंग में चल रहे थे, जिनका अभी कार्य किया जा रहा था, बन रहे थे लेकिन अभी प्रॉपर नहीं बन पाए थे, तो उनको भी ध्यान में रखा गया है। नए अस्पताल खुलने की यहाँ पर बात कह दी है, गांव देहात में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कि ऐसे अस्पताल खोले जाए, ऐसे क्रिटिकल केयर अस्पताल खोले जाए जहां पर कोई गंभीर मरीज आ जाए तो गांव वालों को उन मरीजों को शहर में लाना पड़ता है, तो समय सीमा करीबन कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लगता ही है, तो ऐसे में 1 से 1.5 घंटे के बीच में कई मरीजों की जान चली जाती है, तो वो जान ना गंवाई जाए इसके लिए स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। गाँव देहात क्षेत्र में नए अस्पताल खोले जाएंगे। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें की गई है, नए स्कूल खुलने की बात हो गई है, आदिवासी बच्चों को पढ़ाने की बात की गई है, उनको साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि स्कॉलरशिप देने की बात करती है आदिवासी बच्चों को, क्योंकि वो लोग इतने सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, उन तक ये सब सुख सुविधा नहीं पहुंच पाती हैं, तो वो भी बात हो गई है। अगर बुजुर्गों की बात करते हैं तो बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है, जो पेंशन है इनको पेंशन मिलती है, उसमें कटौती की गई है कि जो टैक्स भरते थे उस पर वो कटौती देखने को मिलेगी, तो काफी सारी चीजें हैं और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए और खुश करते हुए ये बजट लाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना संकट के बाद से क्या था कि चुनौतियां बहुत बढ़ गई। इस बार जो बजट पेश होने वाला था उससे पहले भी निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री ने जैसा कि बताया था कि इस बार का बजट ऐतिहासिक बजट होगा, चुनौतियां बहुत सारी थी, वंस इन अ लाइफ टाइम बजट था क्योंकि कोरोना के जस्ट बाद ये बजट आना था और किस तरीके से हम अपनी इकॉनमी को रिवाइव कर सकते हैं उसका विशेष ध्यान रखना यहां पर जरूरी था, क्योंकि इकॉनमी को जो झटका लगा था और जैसे कि IMF की जो रिपोर्ट बताती है 11.5% जो है वो ग्रोथ रेट आने वाले जो सेशन है उसमें देखने को मिलेगा, तो ऐसे में इकॉनमी पे भी ध्यान रखना था और हर एक इंडिविजुअल तक भी पहुंचना था। इसको कहीं ना कहीं हर जो खाली जगह थी उसको भरने की कोशिश की है। इसके साथ ही आपने जैसे शिक्षा का जिक्र किया, इसके लिए भी पूरी कोशिश की गई है। जैसे शिक्षा में बताया गया कि 1000+ स्कूल्स बनवाए जाएंगे, इसके साथ ही 100 के लगभग जो है सैनिक स्कूल भी बनवाए जाएंगे, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि जब हम कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तो उसके लिए भी एक जो है अच्छा कदम उठाने की जरूरत थी। तो यहां पर जो स्कूल बनेंगे
जाहिर सी बात है ज्यादा स्कूल बनेंगे तो ज्यादा एजुकेशन पे जोर जाएगा, ज्यादा बच्चे पढ़ाई का उसका फायदा उठा सकेंगे। तो एजुकेशन का भी ख्याल रखा गया है, मेडिकल का भी ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि बुजुर्गों का और महिलाओं को जो पहले से छूट मिलती है उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उम्मीदें हर बार लगती है, वैसे ही टकटकी लगा के लोग इस बार भी देख रहे थे। तो इस बार क्या किया, महिलाओं के लिए तो इतना खासा कुछ नहीं रहा, लेकिन हाँ बुजुर्गों का ध्यान रखा गया। 75 साल से जो आगे के बुजुर्ग हैं उनके लिए तमाम चीजें दी गई, पेंशन में भी इस बार पेंशनर्स को भी बहुत फायदा मिला। पेंशनर्स के लिए भी कहा गया है कि उनको पेंशन में छूट दी जाएगी, टैक्स नहीं लगेगा वहां पर, ऐसे करके एक जो एक रूपरेखा तैयार की गई है उसके अंडर में ये सब चीजें आएंगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे बजट का अगर हम मसौदा तैयार करते हैं, मोटा माटी बताते हैं, तो ये चीज निकल के हमको सामने आती है कि सबको खुश करने की, सबको लुभाने की कोशिश की गई है, बच्चे बड़े और जो जॉब वाले लोग हैं उनके भी डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही ह्यूमन कैपिटल पर भी काम किया गया है और तमाम चीजों को, तमाम जो जगह खाली लग रही थी उनको भरने की कोशिश की गई है। किसानों के लिए भी पहले से ज्यादा भुगतान करने की बात की गई है, 30% जो भुगतान का जो पहले रेट था उसको 30% इंक्रीज करके अब कहा जा रहा है कि 30% ज्यादा दिया जाएगा। तो किसानों के मन में जो नाराजगी थी उसको भी कहीं ना कहीं मिटाने की पूरी कोशिश रही है यहाँ पर वित्त मंत्री की। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बहुत मजबूती प्रदान करेगा ये बजट, तो प्रधानमंत्री जब ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी पहले पूरा एनालिसिस किया होगा, पूरे देश का एनालाइज करने पर कोशिश की जाती है। और जिस तरीके से IMF ने बताया है कि इकॉनमी जो है वो रिवाइव कर सकती है, इकॉनमी जो है वो ग्रोथ रेट उसका सही दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में बजट कितना बखूबी रोल प्ले करता है ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से जो पूरा बजट पेश किया उस बजट की कहीं ना कहीं आलोचना करने में थोड़ा सा जल्दी समय हो सकता है, शायद इसलिए विपक्ष बच रहा हो। लेकिन विपक्ष ने जैसा कि हमेशा होता है, राजनीति का काम है राजनीति करना, तो वो सीधे आ गए सामने, उन्होंने सीधे कहा, अखिलेश यादव की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव ने इससे पहले भी जब वैक्सीन की बात हुई थी तो उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी यही बात कही थी कि कोरोना वैक्सीन दरअसल बीजेपी की वैक्सीन है, वैसा ही तुरंत जो जिसको मैं बोलता हूँ कि बहुत जल्दी हो जाता है, इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करें क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है। जब अखिलेश यादव ने पिछली बार कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी की वैक्सीन से जोड़ दिया था तब तमाम आलोचनाएं हुई थी, ट्रोल भी काफी हुए थे, तो वैसा ही कुछ इस बार भी हो रहा है। यहां पर खत्म होता है बजट भाषण, यहां पर खत्म होता है, उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव ये टिप्पणी कर देते हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपर्ट है, बहुत बड़े कोई इकॉनमी के एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी इस तरह की टिप्पणी करना एक मेरे ख्याल से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा नहीं देता, उनको थोड़ा विचार करना चाहिए था, थोड़ा अपने पार्टी के और लोगों से जो इकॉनमी में जो थोड़े अच्छे हों, आर्थिक सलाहकार हो, उनसे बात करनी चाहिए थी, उसके बाद अगर वो अपनी बात रखते आगे आते तो शायद इसमें थोड़ा सा बातों में वजन आता है। ये तो सीधा सीधा लगता है कि राजनीति की करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब हम बजट पे जब वापस आएंगे तो बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारी चीजें की गई हैं, NRIs को भी, NRI जो लोग हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं लेकिन बाहर रहते हैं उनको भी खुश करने की कोशिश की गई है, उनको भी टैक्सेशन में कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं। तो ऐसे हर किसी का ध्यान रखा गया, इंडिविजुअल्स पर डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सके हैं कि किसी की जेब से उसका खर्च बचाया जा सके, लेकिन हाँ घुमा फिराकर इनडायरेक्टली सबकी मदद करने की कोशिश की गई है। टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया है क्योंकि देखा जा रहा था प्रद्युम्न कि टैक्स स्लैब्स में बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन टैक्स स्लैब्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, लेकिन चीजें बड़ी बड़ी की गई, बाकी चीजें जिस पर हम बात करते हैं तो उन चीजों पर बड़ी बड़ी चीजें की गई हैं। तो इस पर किस तरीके से आप इस बजट को अगर पूरा पूरा आंकते हैं तो आपको कैसे दिखता है? बिल्कुल, देखिए बजट अगर 100% में से आका जाए तो 70% बेहतर है, 30% इसलिए कुछ लोगों को यह नापसंद आएगा क्योंकि सोने की कीमत घटाई है लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो गाड़ी पर असर पड़ेगा, जेब पर असर पड़ जाएगा, क्योंकि आमतौर पर पेट्रोल तो चाहिए चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, तो ऐसे में आप एक इधर से उधर जाएंगे तो पेट्रोल आपका लगेगा, तो उसमें कीमत बढ़ गई है करीब करीब 4 रुपये डीजल पे और 2 रुपये कुछ पैसे आपके पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए गए हैं, तो वो लोगों को थोड़ा ना पसंद आए क्योंकि लगातार कीमतें पहले भी बढ़ रही थी अब कीमत और बढ़ रही है। सोने में ज़रूर कम किए गए हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गैस सिलेंडर होते हैं उस पर अभी पैसे इतने नहीं बढ़े हैं, ऐसी चीज़ों पर नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पूरा आंकें इस चीज़ को तो बेहतरीन है इस बार बजट, क्योंकि आप देखिए विपक्ष का जो काम है वो सवाल उठाना है, विपक्ष अगर सवाल ही नहीं उठाएगा तो फिर विपक्ष किस बात करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने इतने सवाल नहीं उठाए जितने वो पहले हमेशा उठाता वो आया है, तो ये तो साफ तौर पर दिख गया कि जब विपक्ष इस पर कुछ आवाज अभी तक नहीं उठा रहा है तो फिर वाकई में ये जो बजट है वो काफी बेहतरीन है। लेकिन अब आने वाले समय में जब ये बजट आ जाएगा ऐसे में सब लोगों तक ये बजट की जो सुविधाएं वो पहुंचेंगी, तो ये चीज सामने आएगी किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, क्या जेब खर्च बच रहा है, क्योंकि आपने अभी बताया कि इनडायरेक्ट वे में जेब खर्च बचाने की जो कोशिश की गई है, लोगों की मदद करने की कोशिश की गई है वो यहां पर की गई है, लेकिन फर्क कितना पड़ता है ये जरूर हमको समय बता देगा। खासतौर पर आपको एक चीज बता दूं कि मेट्रो की बात भी इस बार यहां पर की गई है कि अभी जो मेट्रो चल रही है बड़े बड़े शहरों में
वो तो चलेंगी, लेकिन छोटे शहरों में भी मेट्रो अब लाई जाएगी, मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे जिससे और रोजगार बढ़ेगा। छोटे शहरों की अगर बात करते हैं जहां पर मेट्रो स्टेशन नहीं है, मेट्रो नहीं है, मेट्रो सिटी वो नहीं है, तो वहां पर मेट्रो लाई जाएगी और जहां मेट्रो है उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। काफी लंबा किलोमीटर का एक आंकड़ा बताया गया है जिसमें जो मेट्रो की परियोजना है वो वहां पर लागू की जाएगी, बनाई जाएगी, जिससे और लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो ऐसी काफी सारी परियोजना लाने की बात भी यहां पर देखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका इसका कुल बात करें, कुल मिला के बात करते हैं, तो वाकई में कहीं ना कहीं फायदा तो मिलने वाला है। बिल्कुल, जैसा कि आपने परियोजना के बारे में कहा, आपको बता दूं कि तमिलनाडु सहित चार राज्यों में सड़क की भी बात की गई है, सड़कें भी बनाई जाएंगी, मसौदा पूरा तैयार है, कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। लेकिन दूसरा एंगल यह है कि चारों राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने हैं। खैर, ये हुई एक तरफ की बात। दूसरी तरफ की जब हम बात करते हैं, जिस तरीके से आपने महंगाई, जो चीजें सस्ती हुई कुछ चीजें महंगी हुई, तो जब महंगी हुई चीजों की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल, जनता पहले से त्रस्त है इस पर, और इन्हीं चीजों पे दोबारा से जो उछाल दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं आम जो जनता है, जो मिडिल क्लास जो है, जो जॉब जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसकी जेब पर थोड़ा से मार पड़ेगी, देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स भी महंगा हो गया, मोबाइल चार्जर भी महंगे हो गए, और भी तमाम चीजें हैं जो महंगी हुई हैं, और इंपोर्टेड जो ऑयल है वो भी महंगा हुआ है। इसके साथ दूसरी तरफ देखते हैं महिलाओं, गृहिणियों के लिए एक अच्छी खबर है। गृहिणियों के लिए बता दूं कि सोना चांदी सस्ता हो गया, ऐसा बजट में पेश किया गया है। सोना चांदी सस्ता हो जाएगा, इससे कहीं ना कहीं जो घर की महिलाएं वो खुश हो जाएंगी, क्योंकि हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो सोना चांदी का भंडार है वो दरअसल घरों में है, वो महिलाओं ने रख रखा है। तो बजट में क्या कुछ था, यह आप सुन चुके हैं कल, जो पूरा आपने निर्मला सीतारमण को सुना, वित्त मंत्री को हमारे, उन्होंने जिस तरीके से बजट पेश किया, इससे अभी तक फिलहाल ऐसा लग रहा है कि देश का जो बजट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ज्यादा दिख रहा है, वो बेहतर है, अच्छा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि देश के लिए बजट अच्छा साबित हो और हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।